मुसलमान बच्चे जो है ना उनको टारगेट किया जा रहा है और वो ड्रग्स में उनको मुब्तिला किया जा रहा है कि वो ड्रग्स ले और उनकी लाइफ खराब हो। मुसलमान बच्चे ज्यादातर ये चपेट में इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मोहल्लों में ही कमी है, शायद हमारे ही कौम के कुछ लोग ये बिजनेस में मुब्तिला है। मुसलमान जाग गया, उसको समझ में आ गया कि हमारा हक है वोट करना और हमारा हक है सही लोगों को चुनकर लाना। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा हम लगातार देखते हैं चुनाव के दौरान किस प्रकार से मुस्लिम नेताओं को लेकर लगातार घमासान लगा रहता है और सवाल उठते हैं, खास करके कुछ ऐसे लोग जो लगातार चुनावी माहौल को गरमाने के लिए मुस्लिम को एक टारगेट करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम नेता नहीं, अगर मुस्लिम नेता है तो वो मुस्लिम के हक में बात क्यों नहीं करते। तो हमारे साथ में साउथ मुंबई के यूटी उद्धव भाई साहब ठाकरे की शिवसेना से साजिद सुपारी वाला मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, देखते हैं उनका क्या कहना है। साजिद भाई, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया मेरा क्वेश्चन इस तरीके का है, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे? मैं तो यही कहूंगा कि मुस्लिम नेता क्या करते हैं उसको देखने से बेटर मैं ये देखता हूँ कि आज मुसलमानों को इतना साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री रहे और दिया, आज मुसलमानों ने वो चीज को साबित किया कि हम एहसान फरामोश नहीं है। अगर लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो हम भी उसका अच्छा जवाब देंगे। तो जैसे ही महाविकास अघाड़ी तैयार हुई और इलेक्शन के लिए जब कोशिश की गई तो उसके अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दिया जो कभी वोट देने के लिए भी उतरते नहीं थे, छुट्टियों पर चले जाते थे। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाने के लिए और उद्धव बाला साहेब ठाकरे के काम को देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार वाली है और कांग्रेस को लेकर जब शिवसेना चली उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली, तो उसके अंदर जो ओरिजिनल शिवसेना लोगों ने उसको पहचाना। और आज मुसलमान नेता हो या कोई और गैर कौम का नेता हो या किसी भी कौम का नेता हो, आज सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज लोगों को रोजी रोटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी फिक्रें हो गई है। लोगों को अब कौमवाद होना, कम्युनल होने की जो फिक्र है ना, वो दूर हो गई। अब कोई हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, अब कोई लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता। अब इंसान यही सोचता है कि मेरी तरक्की, मेरे घर वालों की तरक्की, मेरा किचन कैसे चलेगा, मेरे लोगों की एजुकेशन कैसे होगी, कोई बीमार होता है तो उसको किस तरह सहारा दिया जाएगा। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने, मैं समझता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी यही बात को कबूल करोगे कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इतने मुश्किल समय में उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। हम आजकल, पहले तो हम उनको शिवसेना प्रमुख कहा करते थे, अब उनको कुटुंब प्रमुख कहा करते हैं। जैसे फैमिली का कोई हेड होता है, उस तरह से उन्होंने मोहब्बत दी, लोगों को काम किया, लोगों को संभाला। तो मैं समझता हूं कि हिंदू मुसलमान ना करते हुए हम लोग अब प्रोग्रेस की तरफ चले। इस बार लोकसभा इलेक्शन में बता दिया गया, खास करके साउथ मुंबई से जो मुस्लिम गढ़ है पूरा, भिंडी बाजार, नल बाजार, नागपाड़ा, अग्रीपाड़ा, बॉम्बे सेंट्रल, बाइकल्ला, जेजे, जो गलियों में जब हम घूमे अरविंद सावंत साहब के साथ जो खासदार के लिए लड़ रहे थे और जिस फर्क से वो जीते हैं, मैं समझता हूँ शायद 58,000 वोट अप्रोक्सीमेटली, जो भी माइनस प्लस, उस फर्क से जीते, उसका मतलब ये होता है कि आज मुसलमान जाग गया, उसको समझ में आ गया कि हमारा हक है वोट करना और हमारा हक है सही लोगों को चुनकर लाना। तो मुस्लिम नेता हो या कोई भी नेता हो, मैं समझता हूं अगर वो काम करेगा लोगों के लिए तो जरूर ब जरूर उसको चुना जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में एक मुद्दा देखा जा रहा है, हज करने गए यात्रियों की कई लोगों की जान चली गई है, किसकी लापरवाही मानते हैं आप, क्या लगता है आपको, किसका नेग्लिजेंस होगा? बहुत बड़ा मसला है ये, हम लोगों ने बीच में डिस्कस भी किया, मेरे कुछ लॉयर फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे बताए कि ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि लापरवाही भी बोल सकते हैं। अब इसकी तहकीकात होगी कि क्या हुआ। मैंने ये सुना है, अब ये सच है कि पता नहीं, मेरे पास कुछ फॉरवर्ड्स आए थे कि जिसमें कहा गया था कि जिसके हाथ में ये गया है उस शख्स ने, उस पर्सन ने नए स्टाफ को रिक्रूट किया, जो कि हुजाज जो पहले के रहते थे एक्सपीरियंस वाले, उनको नहीं भेजा गया था और कुछ और लोगों को जो हज कमेटी के माध्यम से जो करना था, जिनके हाथ में अभी हज कमेटी का काम आया है, वहां पर कुछ लापरवाही कही की गई है। अब मैं ये देख रहा हूं कि सबसे पहले तो हम दुआ करते कि अल्लाह इस बवाल से जो
परेशानी हुई है, जो बेचारे के घर वालों को, नियर एंड डियर वंस को जो तकलीफ हुई है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। और वो हाजियों को शहादत का मर्तबा मैं समझता हूँ मिला, क्योंकि हज के ऊपर एहराम की हालत में जो गुजरे। लेकिन उनकी फिक्र के साथ मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ, इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि जिस जैसा हो सकेगा मैं इस मुद्दे को, मैं तो बहुत छोटा समझता हूँ अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान एक चेहरा हूँ शिवसेना का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उद्धव साहब और आदित्य साहब के साथ बैठ कर इसके बारे में तहकीकात की जाए, इसके बारे में मैं इनको एक न्योता दूंगा। और साथ में मैं ये भी करूंगा कि आगे इंशाल्लाह जब हमारी सरकार आती है या जब हमें ये मौका मिलता है, तो हम इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक हिस्सा बनूं, हज कमेटी में जो भी मैं खिदमत कर पाऊं, या अपनी जो ट्रस्टे है जितनी भी मंडल है उसमें मैं किसी तरह का एक रोल निभा पाऊं, या तो फिर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसकी एहतियात की जाए। साजिद भाई, आप एक मुस्लिम नेता बन के उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मगर मुस्लिम समुदाय में जो कुछ दिक्कतें हैं जो हम लोग देखते हैं ग्राउंड पे, खास करके एजुकेशन की, रोजगार की, और सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है स्लम एरिया में हम देखते हैं नशा का, उस पर काबू क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप लोग की भी सरकार थी 2.5 साल तक, उसमें इतना कुछ वर्कआउट नहीं किया गया। जो अधिकारी इस चीज में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनके ऊपर आरोप लगने लगता है, क्या लगता है आपको इसका रीजन क्या हो सकता है? ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है ये कि अगर कंट्रोल ना कर पाए। सबसे बड़ा ड्रग्स मैनेज है, और खास करके हमारे मोहल्लों में, और मैं नहीं बोलता सिर्फ मुसलमान मोहल्लों, लेकिन ज्यादातर मुसलमान बच्चे जो है ना उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो ड्रग्स में उनको मुब्तिला किया जा रहा है कि वो ड्रग्स ले और उनकी लाइफ खराब हो। इसके ऊपर जरूर बस जरूर गौर भी किया जाए और आगे एक्शन भी लिया जाए। और जब आपने कहा ना कि उस वक्त जब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जब सीएम थे तो उस वक्त ध्यान दिया गया, लेकिन कोविड का टाइम चल रहा था, लोग रास्ते पे मना था, लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं मोहल्लों में लोग इधर उधर घूम रहे थे। खैर मैं उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसके अंदर ज्यादा फायदा उठाया ड्रग्स वालों ने। लेकिन आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, आज हमारे एजुकेशन के ऊपर आदित्य साहब ठाकरे ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे एजुकेशन के अंदर बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही। नीट के ऊपर भी बात हुई है, और आज मैं एमसीए क्लब में अनिल परब साहब का कुछ आगे का निवडणूक की तैयारी के बारे में भी था, और उनका कुछ जैसे वो ग्रेजुएशन और उसके ऊपर सीनेट के ऊपर जो हेड रहता है ना उसका इलेक्शन था, तो उसके इलेक्शन की तैयारी में वो जो प्लेज दिया जाता है वचननामा, उसके अंदर काफी सारी चीजें थी जो मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा कि आगे से स्टूडेंट्स को और एजुकेशन को खास करके मुंबई महाराष्ट्र में क्या महत्व देना चाहिए, यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है। आज मुझे कुछ और भी पता चला, वहां मुंडगेकर साहब कोई थे जो एजुकेशन में बड़े कुलगुरु कहा जाते, वो बोले कि कलीना यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी उस तरह की नहीं है। अब ये कितना क्या है इसकी बात तहकीकात करने के बाद काफी सारी चीजों पर, इस पर मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन के बाद अभी से मेहनत चालू है, और जब हम सरकार में आ जाते हैं हमारे पास पावर्स आ जाते हैं, तो पावर्स नहीं भी है तो हम लड़ाई करेंगे, लेकिन पावर्स आ जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करके इंशाल्लाह एजुकेशन के ऊपर खास करके ध्यान दिया जाएगा, और मैं इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अच्छा, जैसे आपने अभी मैंने सवाल किया, आपने उसमें ये कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हम मानते हैं आपकी पार्टी पावर में नहीं है, मगर विपक्ष की पार्टी भी आपकी बहुत मजबूत है इस बार, तो इसके लिए विपक्ष की बतौर विपक्ष आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्योंकि एक ही समुदाय को जो नशे के लिए टारगेट किया जा रहा है, कौन लोग वो टारगेट कर रहे हैं? मैं इसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ। टारगेट का मतलब मेरा ये नहीं था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ यंगस्टर्स को, यूथ को टारगेट किया जा रहा है, और ये टारगेट इसलिए नहीं किया जा रहा है षड्यंत्र के हैसियत से नहीं, अपने ड्रग्स को बेचकर गंदा धंधा करके पैसे कमाने के लिए, ये नहीं कि टारगेट कोई कम्युनल एंगल से किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान बच्चे ज्यादातर ये चपेट में इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मोहल्लों में ही कमी है, शायद हमारे ही कौम के कुछ लोग ये बिजनेस में मुब्तिला है, और इसके अंदर किस तरह कार्रवाई करना चाहिए। मैं और आप तो बहुत छोटे ये चीज में समझने के लिए, ये बहुत बड़ा ड्रग माफिया होगा मुझे जहां तक समझ में आता है, जिससे लड़ नहीं सकते इतना इजीली, लेकिन उस पर रोक लगाई जा सकती है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इस चीज से हमको बाहर निकाले। हिकमत अल्लाह की है, मेहनत हम करेंगे, कोशिश करना हमारा फर्ज है, अगर हम पावर में हो या नहीं हो,
अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मैं हो या और भी कोई हो, सब साथ में जुड़े, एक ग्रुप बनाए और इस मैनेज को खत्म करने के लिए कोशिश की जाए। आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आप एक मुस्लिम नेता है, तो मुस्लिम समाज के लिए आप आने वाले वक्त में क्या कुछ करने वाले, भले ही आप विपक्ष में, मगर मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरीके से आवाज बनती उभरेंगी? इंशाल्लाह, देखिए अभी जैसे मैंने आपको सारी पॉइंट्स बताई कि मेरे इरादे क्या है, लेकिन मेरे इरादे करने से कुछ नहीं होगा, कामयाब करना अल्लाह का काम, अल्लाह है करने वाला है, कोशिश हमारा काम रहेगा। तो जो भी मुस्लिम मुद्दे हैं उसकी एक पूरी फहरिस्त बनाई जाएगी, पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और पॉइंट टू पॉइंट उद्धव साहब जब आते हैं पावर में तो विपक्ष के तौर पर भी, और जब पावर में आते हैं तब भी, अभी विधानसभा के इलेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन उसके पहले ये मुद्दों को गौर किया जाएगा और एक लिस्ट बनाई जाएगी। जब अरविंद सावंत साहब यहाँ पर हम प्रचार कर रहे थे तो हमारे कितने मुसलमान भाइयों ने हमारे साथ मीटिंग की और कहा कि ये सब जो चीजें हैं, मुसलमान वोट तो दे रहे हैं लेकिन ये सब जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉर्ट आउट करना है। और हमारे खासदार साहब ने वहां भी वादा किया, और अभी वो दिल्ली में जब वो पार्लियामेंट में बैठकर मुद्दे उठाए हैं पहले भी, और उन्होंने, उनकी काफी सारी वीडियोस और क्लिप्स है जो आप गूगल करके या यूट्यूब पर देख सकते हैं, अरविंद सावंत साहब की भी और जितने दूसरे खासदार हैं उनकी भी। अभी अनिल देसाई साहब को भी जिम्मेदारी जो मिली है धारावी माहिम और उस पट्टे की, तो उधर भी काफी सारे मुसलमान बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इनके जरिए से दिल्ली तक भी अपनी आवाज पहुंचे, पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचे, और जब असेंबली यहाँ की जब होगी तब भी आवाज को उठाने के लिए और इन मुद्दों के हल निकालने के लिए इंशाल्लाह कोशिश की जाए। बहरहाल ये थे साजिद सुपारी वाला, जिनका साफ तौर पे ये कहना है, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और साफ तौर पे ये कहना है जो जो इनके मुद्दे हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर उस पर वर्कआउट करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि ये अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं।